तो जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में एनआईए की छापेमारी। पुंछ जिले में भी चल रही है एनआईए की छापेमारी। दहशतगर्दों के मददगार ग्राउंड वर्कर्स के खिलाफ ये छापेमारी है। नेटवर्क की जानकारी मिलने के बाद सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। कई लोगों को हिरासत में लिए जाने की भी खबर है। तो एनआईए की जानिब से छापेमारी देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में इस वक्त एनआईए छापेमार कार्रवाई कर रही है। पुंछ जिले में भी एनआईए की छापेमारी चल रही है। तो वहीं दहशतगर्दों के मददगार ग्राउंड वर्कर्स के खिलाफ ये छापे हो रहे हैं। नेटवर्क की जानकारी मिली थी एनआईए को और उसके बाद ही अलग अलग इलाकों में एनआईए की टीम छापे मारने के लिए पहुंची है। कई लोगों के हिरासत में लिए जाने की भी खबर है और अब देखना ये होगा कि कई मामलों को लेकर इनसे पूछताछ भी की जा सकती है। तो ओजीडब्ल्यूज को लेकर ये छापेमारी हो रही है। दहशतगर्दों के मददगार ग्राउंड वर्कर्स के खिलाफ ये छापे देखने को मिल रहे हैं। एनआईए की जानिब से ये छापेमारी देखने को मिल रही है। तो बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर से आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में एनआईए की छापेमारी देखने को मिल रही है। पुंछ जिले में भी एनआईए की छापेमारी इस वक्त चल रही है। दहशतगर्दों के मददगार ग्राउंड वर्कर्स के खिलाफ ये छापे हैं। इससे पहले भी कुछ रोज कबल ही कुछ ओजीडब्ल्यूज गिरफ्तार भी किया गया था। ऐसे में अब एक बार फिर से ओजीडब्ल्यूज को पकड़ने की कवायद तेज हो गई है और इस बार ये छापेमारी एनआईए की जानिब से की जा रही है। कुछ लोगों को हिरासत में लिए जाने की भी खबर मिल रही है जिनसे पूछताछ की जाएगी। तो नेटवर्क की जानकारी मिली थी एनआईए को। दहशतगर्दों के मददगार ग्राउंड वर्कर्स की जानकारी मिली थी, उसके बाद छापेमारी देखने को मिल रही है।